मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में बीते दिनों हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में मारपीट को पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह करार दिया है। वहीं कैप्टन अभिमन्यु ने इसको लेकर कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए। हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दिल्ली में हुई झड़प पर पूर्व सीएम हुड्डा ने खेद जताया है। रेवाड़ी के रोद गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 6 अक्टूबर को दिल्ली में राहुल गांधी की रैली में जो कुछ हुआ वो सही नहीं था। उन्होंने खेद जताते हुए इसके लिए कार्यकर्ताओं के अति उत्साह को वजह करार दिया। 6 अक्टूबर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के स्वागत के लिए पहुंचे हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर और हुड्डा गुट के समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई थी, जिसकी जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। जो है जब कार्यकर्ताओं में जोश हो जाता है तो कई दफा आपस में छोटी मोटी घटना हो जाती है। रेवाड़ी में भी आपका जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ 6 तारीख को, लेकिन हो जाता है कि कार्य जोश होता है। उधर कांग्रेस की गुटबाजी पर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का कहना है कि कांग्रेस विचारधारा को छोड़कर परिवारवाद में फंसकर रह गई है। पार्टी ने लंबे समय से विचारधारा की राजनीति को छोड़ दिया, वो एक परिवार की विरासत की गुलाम बनकर के रह गई और पूरे देश में कुछ परिवारों का गिरोह बनकर के रह गई और हरियाणा में भी 10 वर्षों में आपराधिक तत्वों को संरक्षण देकर के एक गिरोह संस्कृति के ऊपर काम करते हुए के लूटो और मिलकर के लूटो की संस्कृति पर काम किया। सूबे के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का दावा है कि कांग्रेस परिवार की राजनीति तक सिमट गई है। रेवाड़ी से अनिल रस्तोगी, रोहतक से राष्ट्रज्ञ के साथ अमन कपूर, जी मीडिया।